Hello friends, welcome to my channel, The Knowledge Hub. I'm going to explain the novel The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. ये स्टोरी है पति का चक्रवर्ती का. ये एक गांव में रहता है अपने मदर और अपने एक भाई के साथ में. उसके पिता नहीं होते हैं, उनका बचपन में ही मृत्यु हो जाती है. पथिक चक्रवर्ती जो होता है वो शरारती होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो केवल मस्ती मजाक में ही रहता है अपने दोस्तों के साथ में. वो खेलता है और पढ़ाई में बहुत कमजोर होता है. लेकिन उसका जो भाई होता है मक्खन चक्रवर्ती, ठीक उसके ऑपोजिट होता है. वो पढ़ाई में भी ठीक होता है. एक दिन क्या होता है कि पथिक चक्रवर्ती गांव में खेल रहा होता है. उसके एक शरारती सोचता है कि वो अपने भाई को नदी में डुबोना चाहता है. अपने फ्रेंड्स के साथ में वो नाव में बैठा के उसे बीच में छोड़ देता है. और उस दिन काफ़ी बारिश भी होती है तो वो भींग जाता है. तो इससे वो गुस्सा होकर पथिक चक्रवर्ती को खूब पीटता है और रोता चिल्लाता हुआ घर पहुंच जाता है. जब उसकी माँ पूछती है कि इसका रीज़न क्या है, तो वो उसका रीज़न अपने भाई पथिक चक्रवर्ती को बताता है कि उसने उसे पीटा. जबकि वो उसे पीट के आया हुआ होता है. तो उससे माँ उसकी बहुत नाराज होती है और अपने सर्वेंट को बोलती है उसे बुलाने के लिए. उसका सर्वेंट उनको बुलाने जाता है, तब वो आना नहीं चाहता. तो उसे किसी भी तरह से उसका सर्वेंट उसके घर ले जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे खूब डांटती फटकारती है क्योंकि उसने एक तो वो काम नहीं करता है कोई, ना तो पढ़ाई करता है, और वो अपने भाई को जो अच्छा है उसे पीटता है. यह बात सुनकर मक्खन चक्रवर्ती खूब हंसता है. तो इससे उसे गुस्सा पथिक चक्रवर्ती को गुस्सा आ जाती है और वो फिर से नदी के किनारे जाके बैठ जाता है. उसी बीच में एक अननोन आदमी उसे रास्ता पूछता है, तो वो उसे कुछ बताता नहीं है. फिर वो आदमी आगे बढ़ जाता है और जब वो घर जाता है अपने घर, तो वो देखता है सेम आदमी है और वो उनका अंकल है. तो पूरी स्टोरी उसकी माँ पथिक चक्रवर्ती की माँ उसे बताती है कि वो कितना शरारती है, कोई काम नहीं करता है. तो उसके अंकल होते हैं, वो कहते हैं कि उसे मेरे साथ में कोलकाता भेज दो, वहीं वो पढ़ेगा. यह सुनकर पथिक चक्रवर्ती बहुत खुश होता है कि उसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है. और फाइनली उसके अंकल उसे कोलकाता ले जाते हैं, जहाँ उसकी आंटी होती है. उसके उनके यहाँ तीन बच्चे होते हैं. तो उसकी आंटी नाखुश हो जाती है कि एक तो तीन हमारे हैं और एक और आ जा रहा है, तो एक अनवेलकम गेस्ट हो गई उसके लिए. तो उसको ट्रीट सही से नहीं करती है, उसके साथ में सही बिहेव नहीं करते हैं. उसके अंकल जो है वो कोलकाता के ही किसी स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं जहाँ वो पढ़ता है. लेकिन वो अपने विलेज के मेमोरीज याद करता है और वो हमेशा नाराज रहता है. एक दिन उसका बुक खो जाता है, तो उसकी आंटी बहुत से डांटती है और उसे खूब जली कोटी सुनाती है. तो वो इससे नाराज होकर बाहर चला जाता है, जिसमें कि घर से बाहर चला जाता है जिसमें उस दिन बारिश बहुत होती है. तो
बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा भीग जाता है, और शाम होने के कारण वो किसी घर में के किनारे जाके छुप जाता है, वहीं रोता है। तो ज़्यादा अंधेरे के कारण और बारिश के कारण वो कहीं जा नहीं पाता है, और वहीं वो बेहोश हो जाता है। और जब रात में घर में नहीं आता है उसके तो अंकल उसे उसका रिपोर्ट पुलिस में कर देते हैं, और पुलिस उसे एक घर से बरामद करती है जिसमें वो बेहोशी की हालत में होता है, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ वो बहुत रोता चिल्लाता है। तब उसके अंकल समझ जाते हैं और उसके मदर को फ़ोन करते हैं, और उसके मदर आती है और उसे गले लगा लेती है। लास्ट में वो बोलता है, मदर द होलीडेज हैव कम। तो ये थी स्टोरी।